नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मिक्की विन में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम BLIE 228 का जो टॉप ब्लॉक हमारा 1 है उसको हम कवर कराएंगे, जिसमें है इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो इसमें आपको बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन जो होता है, जैसे करंट अवेयरनेस सर्विसेज हो गए, या फिर जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, लिटरेचर सर्च, बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज, तो इस तरीके की आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। मतलब जितने भी लाइब्रेरी में सर्च करते हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट सर्च करते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको क्या क्या तरीके हैं या किस तरीके से आप चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना आसान आप चीज़ों को बना सकते हैं जिससे आप लोग आपका जो टाइम है वो सेव हो सके, तो वो पूरी बात इस ब्लॉक में की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक 1 है जिसमें हम यूनिट 1 2 को कवर करेंगे और आगे आने वाले में 3 एंड 4 को भी कवर करा देंगे। तो ब्लॉक 1 का यूनिट 1 है लिटरेचर सर्च एंड बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज, एंड यूनिट 2 है करंट अवेयरनेस सर्विसेज। तो इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं पूरा थ्योरी के माध्यम से बताता जाऊंगा, और आपको क्योंकि 228, 226 और 229 में गैप नहीं है, तो इसीलिए हम ये वाला पहले करवा दे रहे हैं। तो लिटरेचर सर्च एंड बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज में देखिए, लिटरेचर सर्च, तो इसमें अगर क्वेश्चन इस तरीके के आ गया, वैसे आता है लिटरेचर सर्च एंड बिब्लियोग्राफिक सर्विस से, तो लिटरेचर सर्च में आपको सर्च टेक्निक बताना पड़ेगा, सर्च सब्जेक्ट अप्रोच, ऑथर अप्रोच, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन अप्रोच। देखिए, जैसे हम जब अप्रोचेस की बात करते हैं, जैसे हम एक लाइब्रेरी है वो किस तरीके का फंक्शन करता है, तो वो यूज़र अप्रोच की तरह फंक्शन करता है, क्योंकि उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव या उसका जो भी काम करने का जो मेन उद्देश्य होता है वो यूज़र को माइंड में रख के होता है, ताकि उसका जो भी यूज़र का नीड है वो फुलफ़िल कर सके। तो इसी तरीके से लिटरेचर सर्च में कुछ कुछ टेक्निक आते हैं, और बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज में कंपाइलेशन ऑफ बिब्लियोग्राफिक आ जाता है एंड सैम्पल आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो इसमें आप देखा जाए तो दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट अपने जगह पे, पर लिटरेचर सर्च से आपको क्वेश्चन हमेशा ही देखने को मिलेगा। तो लिटरेचर सर्च की बात करूं तो एक लिटरेचर सर्च सिंपली मींस सर्चिंग द लिटरेचर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको अगर सर्च करना है तो वो लिटरेचर सर्च में आता है। अब यहाँ पर देखिए, दिस लिटरेचर इज़ अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म। आपको लिटरेचर बहुत तरीके से वेरियस फॉर्म में मिल जाएंगे, जैसे आपको जनरल हो गया, जनरल आर्टिकल, कल बुक्स हो गए, थीसिस हो गए, पेटेंट हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, तो ये सब क्या है, लिटरेचर सर्च के, लिटरेचर के आपके यहाँ पे टॉपिक है जिसको आप सर्च करते हैं। सर्चिंग जनरल आर्टिकल रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक बाय गोइंग थ्रू ऑल द रेलेवेंट जनरल इज एन इम्पॉसिबल टास्क। अगर आप सर्च करने लग जाएं जनरल रिलेटेड टू पर्टिकुलर टॉपिक, तो ये बहुत सारे वेरिएंट टॉपिक है, तो इसलिए थोड़ा टफ़ काम है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे सर्च, यहाँ पे देखिए, सपोज़ यू इंटेंटेड टू सर्च जनरल आर्टिकल ऑन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन का भी यहाँ पे आपका रिलेशन देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो टेक्निक में देखिए, सर्च टेक्निक में कौन कौन से अप्रोचेस आते हैं, जैसे कि फॉर लिटरेचर सर्च देयर आर 2 अप्रोच, दो तरीके के आपको अप्रोच देखने को मिलेगा। वो होता है पहला सब्जेक्ट अप्रोच एंड ऑथर अप्रोच। तो सब्जेक्ट अप्रोच में बात करूँ तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी अगर आपके पास यूज़र आता है और उसके पास सिर्फ सब्जेक्ट लेके आ रहा है कि आप उसको साइंस की बुक चाहिए, और साइंस में भी अगर वो स्पेसिफिक करके आ रहा है कि उसको केमिस्ट्री की बुक चाहिए, तो आप बहुत सारे जितने भी साइंस की, पहले तो साइंस वाले कॉलम में जाएंगे, फिर साइंस में केमिस्ट्री का कौन सा कॉलम है, फिर वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ से उसकी कौन सी केमिस्ट्री में भी कौन सी केमिस्ट्री उसको चाहिए वो देखेंगे। तो इस तरीके से लिटरेचर सर्च सब्जेक्ट अप्रोच से होता है। अब ऑथर अप्रोच से क्या होगा कि ऑथर एक पर्टिकुलर कोई भी ऑथर है, मान लीजिए वो लेके आया और उसे उसको कौन सी बुक चाहिए, अब वो उसी ऑथर से रिलेटेड जितनी भी बुकें हैं लाइब्रेरी में आप सर्च करके उसको बताओगे कि इस लिटरेचर, इस पर्टिकुलर ऑथर से रिलेटेड हमारे लाइब्रेरी में इस तरीके की बुकें हैं, तो फिर वो अपना जो भी उसका चॉइस है वो फिर बताएगा वहाँ से। तो इसी तरीके से एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से आप लिटरेचर को सर्च करना कितना आसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे स्टेप वाइज यहाँ पे बताया है। स्टेप 1 है यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर लिटरेचर सर्च, पहले रिक्वेस्ट करना लिटरेचर सर्च का, फिर यहाँ पे स्कोप एंड टॉपिक ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं।
तो पहले आपने रिक्वेस्ट कर लिया, फिर लैंग्वेज ये सारा आ जाता है, फिर स्टेप टू में है जिसमें बिब्लियोग्राफी आ जाता है। यहाँ पे देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिटरेचर सर्च इज़ टू कंपाइल अ बिब्लियोग्राफी फॉर अ रिसर्चर्स, रिसर्चर्स के लिए जितने भी मतलब लिटरेचर है उसको कंपाइलेशन करना बिब्लियोग्राफी के फॉर्म में। तो ये आपका सेकेंड स्टेप आ जाता है। तो ये सारे ऐसे करके आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिटरेचर सर्च से आपके क्वेश्चन आएगा या तो ऑथर सर्च ऐसे करके आएगा। और थर्ड इसमें स्टेप आ जाता है सर्च फॉर द लेटेस्ट लिटरेचर, अगर कोई नई नई लिटरेचर आई है तो उसके लिए सर्च करना। तो इसमें प्राइमरी पीरियोडिकल हो गया आपका, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को इसमें मिल जाएंगी। तो ये था आपका सब्जेक्ट अप्रोच से। अब ऑथर अप्रोच से, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑथर से रिलेटेड जितनी भी बुकें हैं उसको सर्च करते हैं यहाँ पे। तो ये एक बार आप लोग पढ़ लेना, फिर आगे चलते हैं। इसमें भी स्टेप वाइज करके दिखाया गया है, तो एक बार आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। बाकी अब इन दोनों में से ही क्वेश्चन आते हैं, लिटरेचर सर्च या सब्जेक्ट अप्रोच करके हो गया, या फिर आपका आपका हो गया ये वाला ऑथर अप्रोच करके। तो बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज में आपको देखिए, डेफिनेशन एंड स्कोप की बात करें, सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ बिब्लियोग्राफी आर टर्म्ड एज बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज। तो कितना सिंपल सा है कि अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं बिब्लियोग्राफी के फॉर्म में, तो उसी का बिब्लियोग्राफी सर्विसेज क्या होती है, बिब्लियोग्राफी सर्विस हो जाती है। बिब्लियोग्राफी सर्विस विल कवर सप्लाइंग एन हॉक बिब्लियोग्राफिक ऑन रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कोई किसी ने किया, या एक्सेशन लिस्ट दिया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, लिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एन इंडेक्सिंग सर्विसेस भी इसमें आ जाती है, अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो देखिए, कंपाइलेशन ऑफ एन हॉक बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, एन एडहॉक बिब्लियोग्राफी इज यूजली कंपाइल ऑन रिक्वेस्ट, ये किसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के द्वारा कंपाइल किया जाता है, इन रिस्पॉन्स टू अ प्रोसेसिंग नीड एंड पर्पस ऑफ रिकॉर्ड एक्सेट्रा। तो ये किसी रिक्वेस्ट एंड रिकॉर्ड की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक बार इसको देख लेना आप लोग, इसमें भी कुछ स्टेप वगैरह दिए हुए हैं, आप उसको एक बार गो थ्रू हो जाए। तो ये था हमारा यूनिट 1। अब चलते हैं यूनिट 2 में, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उसको बता देता हूँ। देखिए, यूनिट 2 है हमारा करंट अवेयरनेस सर्विसेज। तो करंट अवेयरनेस सर्विसेज से भी क्वेश्चन आते हैं कि करंट अवेयरनेस सर्विसेज को अगर आ गया तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताना पड़ेगा और कैरेक्टरिस्टिक। पहले तो आप करंट अवेयरनेस सर्विसेज में पहले सबसे पहले एक तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे, फिर पूरा अपना पूरा बॉडी आप लिखेंगे, और लास्ट में छोटा सा एक कंक्लूजन देना, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ वो लिखना है आपको, तो अच्छा नंबर मिलेगा इसमें। तो देखिए, टाइटल अनाउंसमेंट सर्विसेज में आपको अगर इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरीके का आएगा, करंट कंटेंट टाइप, जैसे इसको टाइटल अनाउंसमेंट सर्विसेज में कैसे कैसे चीज़ों को अरेंज किया जाता है। तो इसमें देखिए, करंट अवेयरनेस सर्विसेज के अकॉर्डिंग में, या फिर अरेंज बाय सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या कार्ड नंबर के अकॉर्डिंग उस चीज़ को अरेंज किया जाता है, फिर आपको जो यूज़र होता है उसको प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा इसमें आता है सेलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आता है। तो इसके अलावा आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको। तो इसमें आ गया हमारा करंट अवेयरनेस सर्विसेज, दी सर्विसेज अपीयर इन वेरियस फॉर्म, इसको आप बहुत अलग अलग फॉर्म में देख सकते हैं। टू इन्फॉर्म रिसर्चर्स एज टू बी अपी एज टू द अपीयर ऑफ द लेटेस्ट लिटरेचर इन द फील्ड विद मिनिमम लॉस ऑफ टाइम, कम से कम उसका टाइम का मतलब लॉस हो, और उसको जो भी वो लिटरेचर आपको मांग रहा है उसको आप सर्च कर दें, या फिर जो भी सर्विसेज उसको चाहिए वो आपको दे दें उसी टाइम में, तो उसको बोलते हैं। फिर डेफिनेशन की बात करें, देखिए यहाँ पे करंट अवेयरनेस सर्विसेज जिसको CSA भी बोलते हैं, वॉज कन्वेंस्ड कंसीव्ड सॉरी कंसीव्ड एट दैट टाइम द इंटरनेट वेब ईमेल एक्सेट्रा वर नॉट एग्जिस्टेंस। तो ये क्या होता था, जब ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तब उस टाइम बहुत ही मतलब मुश्किल हुआ करता था लिटरेचर सर्च करना, क्योंकि आप कितना भी फास्ट हैं, आपको आपके पास अगर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है तो कितना भी फास्ट है, आपको कुछ ना कुछ तो टाइम लग ही जाएगा। अगर आपके पास कोई यूज़र आ रहा है, कोई बुक की डिमांड कर रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट की डिमांड कर रहा है, तो आप सर्च करके लाएंगे, ऐसा होता था। पर अब क्या हो गया है कि अब सारा टेक्नोलॉजी के कारण आप विद इन द सेकेंड आप बता सकते हैं कि वो जो बुक है या जो भी वो आपको डिमांड कर रहा है वो आपके लाइब्रेरी में है या नहीं है, और अगर है तो कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है, वो सारी बात आप उसको बता सकते हैं, और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम आप उसको उस सर्विसेज को उसको दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ में आपको देखने को मिलेगी।
उसके अलावा द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सी एस आर प्रिवेलेंट इन द वर्ल्ड, इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, जिसमें न्यूज़पेपर क्लिपिंग के सर्विसेज आपको देखने को मिलती है, एडवांस इन्फॉर्मेशन अबाउट फॉर कमिंग कॉन्फ्रेंस के लिए, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये तो हमें पढ़ना ही है, टाइटल अनाउंसमेंट सर्विस हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक बार आप इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेना, इट इज़ बेसिकली एन अनाउंसमेंट सर्विस, ये सिर्फ ये बेसिकली एक अनाउंसमेंट सर्विस है जिसमें प्रिंटेड फॉर्म होता है। फिर उसके बाद स्पीड इज़ एसेंशियल, एसेंशियल स्पीड सबसे बहुत एसेंशियल होता है इसमें। इट्स एम टू सर्व और जनरेट द रिसर्च करंट अप्रोच टू इंफॉर्मेशन, इसका एम क्या होता है, जनरेट करना रिसर्च करंट अप्रोच सर्विसेज को इंफॉर्मेशन में। फिर इट डज़ नॉट आंसर एनी स्पेसिफिक क्वेरी, ये किसी क्वेरी का आंसर नहीं करता, बल्कि ये प्रोवाइड क्या करता है, ब्रॉड व्यू ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड। द सर्विस इज़ यूजुअली ऑन द ब्रॉडर एरिया, ये सर्विस जो होती है बहुत ही ब्रॉडर एरिया पे आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बार आप लोग इनको देख लेना। टाइटल अनाउंसमेंट में आपको बता ही दिया कि ये करंट अवेयरनेस टाइप के अकॉर्डिंग होता है या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, तो ये स्टेप बाय स्टेप है, एक बार चाहें तो ये पढ़ सकते हैं, बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके ऊपर वाला जो था वो मैंने बता दिया, वो इम्पॉर्टेंट था। तो ये था हमारा, फिर आगे चलते हैं इसमें अलग जो टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना है। ये देखिए, जैसे अरेंज फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है, तो फिर कैसे आप उसको फाइंड आउट करेंगे। फिर कार्ड नंबर के, क्लास नंबर के अकॉर्डिंग किया है। फिर अनाउंसमेंट, ये वाला आप छोड़ सकते हैं, बाकी इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं। तो इसी के साथ ये हमारा जो ब्लॉक है ये हमारा कंप्लीट होता है, और आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे। 2 to 8, 2 to 9 और 2 to 6 के बीच में बिल्कुल ही कम गैप है, तो आप लोगों को अच्छे से इसमें ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए फिर, आपको जो ये वाला यूनिट है 3 और 4, ये हम अगले आने वाले जो हमारा वीडियो है उसमें आपको करवाएंगे। और आज जिसका भी एग्ज़ाम है उसको ऑल द बेस्ट, और अच्छे से एग्ज़ाम करके आएँ, और प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में आप लोग फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।